नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज नजीबाबाद में पूजा अस्पताल में टीबी रोग से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक चिकित्सीय कैंप का आयोजन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया, जिसमें पूजा अस्पताल के डॉक्टर संदीप और जिला क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रावत ने बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण कर उनके पोषण संबंधित खुराक के बारे में जानकारी दी। आज सामान्य बीमारी हो गई आज, और ख़ास करके जो लोग जिनका पोषण कम है, जिसकी इम्यूनिटी क्योंकि को कोई भी बीमारी उसी की तरफ भाग करता है कि जो कमज़ोर होता है, जिसकी टीबी खास करके कमज़ोर पोषण वाले को, कम वजन वाले को, या जो लोग भीड़ भाड़ वाले घर में एक साथ में कई लोग रहते हैं और एक व्यक्ति को टीबी हो गई तो उससे खांसने से, छींकने से, थूकने से दूसरे में फैल जाता है। टीबी के मरीज के लिए भारत सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं, आजकल अत्याधुनिक जांच की हर सुविधा, यानी कि सबसे पहले हम बलगम की जांच करते हैं, बलगम के बाद भी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है सीवी नट का जो होता है कि पेशेंट जो है अमुक दवाई के लिए इस पर सूट करेगी कि नहीं करेगी, इसको कौन सी दवाई देनी है, और एक्सरे इत्यादि जो भी जाँचें होती है सब उसके लिए हम लोग फ्री इलाज करते हैं। सरकार का इसमें यह है कि भाई अगर पोषण जब तक ठीक नहीं होगा, चाहे दवाई कितनी भी खा ले, कोई भी कहता गांव में भी कि दवाई के साथ खानपान आवश्यक है, और इस बीमारी के साथ तो बेहतर खानपान नहीं, कोई विशेष अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो चीज़ घर में उपलब्ध है, जैसे दाल है, दाल बच्चे को एक कटोरी अतिरिक्त पिला दी, सब्जी है, फल है, जो भी कर सकते, तो सरकार इस सब चीज़ को तो नहीं दे पा रही, पूरा सब चीज़ को दवाई तो देती है। तो हमारे प्रदेश की जो गवर्नर है माननीय आनंदीबेन पटेल, उन्होंने गुजरात से एक स्कीम शुरू की थी कि बच्चों को गोद लेने की स्कीम, 18 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उनको कोई सामाजिक संस्थाएं, कोई अच्छे डॉक्टर, कोई अच्छे। डॉक्टर संदीप ने इस बारे में जानकारी देते हुए हमें बताया कि जिन 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का सरकारी अस्पताल से टीबी का इलाज चल रहा है, उन बच्चों के पोषण और अन्य उपचार से संबंधित जिम्मेदारी नजीबाबाद की 4 स्वयंसेवी संस्थाओं लायंस क्लब, राधे राधे, लायंस क्लब और सखी वेलफेयर सोसाइटी ने आज कैंप में आए 18 टीबी से ग्रसित बच्चों को गोद लेकर उनके पोषण संबंधित जिम्मेदारी ली है। नजीबाबाद से अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह। नमस्कार, आज ये प्रोग्राम पूजा हॉस्पिटल में रखा गया है। प्रोग्राम हमारी जो गवर्नर साहिबा हैं उनकी तरफ से आया था कि देश में जितने भी 18 साल से कम उम्र के मरीज़ हैं, जो सरकारी ट्यूबरकुलर से दवाई, जो टीबी रोग से ग्रस्त हैं और जिनको सरकारी दवाई चल रही है, तो उनको दवाई के साथ साथ अच्छा पोषण मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे तभी ठीक हो पाते हैं जब इनका पाल पोषण और इनको पौष्टिक आहार मिले। क्योंकि सरकार सारे टेस्ट और सारी दवाइयां फ्री करती है, लेकिन ये संभव नहीं है कि उन सबका पोषण भी सरकार देखे। तो ये सरकार का प्रस्ताव था कि कुछ जो संस्थाएँ हैं जो सेवा में लगी रहती हैं, जो सोशल संस्थाएँ हैं, एनजीओज हैं, वो सरकार के साथ मिल जाएं और उन बच्चों को का पाल पोषण करने के लिए उन्हें गोद ले लें। तो इसी के संबंध में आज हमने नजीबाबाद पूजा हॉस्पिटल में प्रोग्राम रखा है कि जिसमें 4 क्लब्स, जिसमें लायंस क्लब नजीबाबाद, लायनस क्लब नजीबाबाद, राधे राधे और सखी वेलफेयर सोसाइटी ने ये हमने बच्चे बुलाए हैं। कोशिश तो हमने करी थी कि करीब 30-35 बच्चे आ जाएँ, लेकिन फ़िलहाल आज 18 बच्चे आए हैं। तो उन बच्चों को हमने अलग अलग क्लब्स को सौंपा है और उनको आज पौष्टिक आहार का पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं, और ये रेगुलरली कुछ महीनों तक चलेगा। जिन बच्चों को जो क्लब्स अडॉप्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर उनको टाइम टू टाइम फ़ोन भी करेंगे, उनका पता भी रखेंगे, और उनकी दूसरी चीज़ों का, जैसे कभी किसी डॉक्टर से संपर्क करना है या कोई दवाई भी अलग से दिलवानी है, उसका काम भी जारी रहेगा। डॉक्टर कौन कौन है बाहर से? डॉक्टर इसमें डॉक्टर रावत जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलर ऑफिसर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जो पूरे ज़िले को देखते हैं, वो और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और मैं डॉक्टर संदीप ने इस पूरे प्रोग्राम को हमने मिला के एक क्लब्स के द्वारा इस चीज़ का जिम्मा उठाया है।